तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से हम AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कैसे करना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसी में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सबको क्या कर लेना होगा, कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। इधर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया हूँ और इधर आप सबको टाइप करना है AOMEI। जैसे आ गया मेरे इधर, आपका भी सजेशन में आ जाएगा। आप सबको टाइप कर लेना होगा AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट और इंटर की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो आपको सबसे फर्स्ट मिल जाएगा diskpart.com करके और उसके नीचे एक लिंक मिलेगा, तो उधर क्लिक कर देना है। और ये नहीं मिल रहा है तो आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सब डायरेक्ट इधर आ सकते हो। देन आप सबको क्या कर लेना होगा, इधर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप सबको इधर डाउनलोड फ्रीवेयर अपग्रेड टू प्रो दो ऑप्शन मिलता है। तो डाउनलोड फ्री पे क्लिक करोगे तो ये फ्री में डाउनलोड कर पाओगे और अपग्रेड टू प्रो पे करोगे तो ये मतलब प्रो वर्जन हो गया, इसमें ज़्यादा फंक्शन है। बट बेसिक जितना भी टास्क होता है ना फ्रेंड, वो सब हमारा फ्री सॉफ्टवेयर में ही हो जाता है, हमको प्रो नहीं करना है। तो हम क्लिक करेंगे अपग्रेड टू प्रो पे और इधर आप सबको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये हो गया फ्री वाला। तो जैसे कि आप सब इधर रीड कर सकते हो यार की डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि आप सबको SSD से आप सबको HDD में जाना है या फिर HDD से SSD में आना है तो आप सबको प्रो चाहिए। बाकी बात जितना भी जैसे कि देख पा रहे हो डिस्क पार्टीशन और फ्रेंड डिस्क चेंज करना है, इसका मतलब एक्सटेंड करना है या फिर श्रिंक करना है, ओके, या फिर आप सबको सी ड्राइव को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है सी ड्राइव का साइज, तो वो भी आप सब इधर से कर सकते हो। और बाकी बात जितना है वो सब आप इधर पढ़ लेना, ओके। और फ्रेंड बाकी बात ये आप सबको नहीं समझ में आ रहा तो मत समझिए, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कैसे यूज करना है और क्या क्या करना है। तो हम फ्री वाले डाउनलोड कर लेंगे इधर से ही, जैसे कि देख पा रहे हो डाउनलोड फ्रीवेयर, तो इधर क्लिक कर देना है, डाउनलोड फ्रीवेयर पे क्लिक कर लेना है और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से डाउनलोड हो चुका है तो हम इसको कट कर देते हैं। और फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस तरह से डाउनलोड हो चुका है तो हम ओपन पे क्लिक कर लेना होगा और आप सब देख लेना कि आप सबका डाउनलोड होता है तो कहाँ जाता है फाइल में, वैसे तो डाउनलोड में ही जाएगा, ओके। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा यस नो पे, तो हमें यस पे क्लिक कर देना है, देन हमें ओके पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आ जाएगा और आप लोगों को बोलेगा कि फ्री में क्या है प्रो में क्या है, तो हमको यार फ्री करना है, ओके, और प्रो जब भी चाहिए होगा तो हम कर लेंगे। तो हमें क्या कर लेना है, स्किप पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि देख पा रहे हो इंस्टॉल हो चुका है तो हम इसको हटा दे रहे हैं भाई, और हम डबल क्लिक कर लेंगे इस पर, इसको ओपन करने के लिए यस पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम देखें कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, जितना भी इधर टास्क दिया गया है, ओके, ये सब ऑप्शन दिया गया है, इसको यूज कैसे करना है तो वो मैं बताऊंगा। सो होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।